नमस्कार सभी को और वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले दो दिनों के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज हमारी तारीख है 21 अक्टूबर, तो हम इसमें 19 और 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है कि विश्व सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, ऑप्शंस उसमें पहले में स्लाइड में गलत है, 17, 18, 19 या फिर 20। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। हमने सारे मैंने डेज जो हैं वो लिख रखे हैं, आप इनको एक बार ही रिवाइज कर सकते हो। 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, 12 को ऑथराइटिस डे, 13 को यूएन कंट्रोल डे, कैलामिटी कंट्रोल डे, 14 को विश्व मानक दिवस और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, हैंड वॉशिंग डे, स्टूडेंट्स डे, प्रेगनेंसी इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे, 16 को वर्ल्ड फूड डे, एनेस्थीशिया डे, स्पाइन डे, 17 को इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डे और 20 अक्टूबर को स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय संयुक्त सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 में की गई थी और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं शिगेरू कावासाकी जापान के। ठीक है, तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो UNESC है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये आपका 20 अक्टूबर हो गया। और 21 अक्टूबर को मनाते हैं, आज के दिन मनाते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे, यानी कि पुलिस का पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। यह दिवस चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 10 पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद करता है। अनगिनत पुलिसकर्मियों द्वारा अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में किए गए बलिदान की गवाही के रूप में चाणक्यपुरी नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भी बनाया गया है। इसके अलावा 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये आपके हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है एक। ठीक है, चलो। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी है। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं @AmanTrivedi और वहाँ से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सर्च करने के लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उस पे आप सर्च कर सकते हैं @AmanTrivedi, II एंड में लगाएंगे तो आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा है विच नेशन हैज शॉट द फर्स्ट फिल्म इन स्पेस, अंतरिक्ष में पहली फिल्म किस देश ने शूट की है। तो JNK में पहली फिल्म शूट की है आपके रशिया ने। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं। रशिया ने पहली फिल्म शूट की है JNK में। ठीक है, और इस जो क्वेश्चन है, जो इसमें इसका क्वेश्चन था, एक्चुअली क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया हूँ, गलत लिख दिया। क्वेश्चन है किस राज्य ने दुबई के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए MOU साइन किया है। तो जवाब है JNK, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के मनोज सिन्हा जी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री राधाकृष्ण, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, CM है पेमा खांडू जी और गवर्नर है BT मिश्रा, असम की राजधानी है दिसपुर और CM है हेमंत बिस्व शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुख। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 18 अक्टूबर 2021 को दुबई सरकार के साथ रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्कों, बहुद्देशी टावरों, IT टावरों, मेडिकल कॉलेज, लॉजिस्टिक्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और बहुत कुछ के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल है कि एलियम नेगियन एक नई पौधों की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर मणिपुर। तो जवाब है इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड में एलियम नेगियन नेगिनियम एक नया प्लांट स्पीसीज है जिसकी प्रजाति खोजी गई है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और CM है जयराम ठाकुर, गवर्नर है राजेंद्र आर लेकर, मेघालय की राजधानी है शिलोंग और CM है कॉनराड सांगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, CM है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है ला गणेशन। ठीक है, तो उत्तराखंड में 2019 में खोजे गए एक पौधे को एलियम की एक नई प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई है। यह जीनस जिनमें दुनिया भर में 1100 प्रजातियों में लहसुन और प्याज जैसे कई मुख्य प्रमुख खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च करेगी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर राजस्थान। तो आंसर है इस क्वेश्चन का दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च करेगी।
दिल्ली के सीएम हैं हमारे अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, सीएम हैं श्री जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सीएम हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। दिल्ली सरकार रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो भारत में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए एक डिजिटल जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म होगा। सरकार ने पोर्टल के विकास के लिए 14 अक्टूबर 2021 को निविदाएं मंगाई हैं, यानी कि टेंडर के लिए मंगाया है। माउंट हैरियट, जिसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया जाएगा, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो माउंट हैरियट, जिसका नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया जाएगा, तो इसके नाम से क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 70-80% लोग इसमें मणिपुर मार्क करके आएंगे। बट आप ये सोचिए कि अगर वो मणिपुर लिख के दे रहा है और ऑप्शन में मणिपुर दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो आंसर नहीं होगा। आंसर है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसके में की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में माउंट हैरियट था, जिसका नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया गया है। और अंडमान में के दो आइलैंड्स और थे जिनका नाम बदल के अभी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है, ये पिछले साल की बात है। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, सीएम है जोरामथांगा और गवर्नर हैं कंबमपति हरिबाबू। ठीक है, और नागालैंड की राजधानी है कोइमा, सीएम है नेइपुर रियो, गवर्नर है आर एन रवि। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है ला गणेश। तो मणिपुर के स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर करने का फैसला किया है। माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप शिखर है। ठीक, किस राज्य के पास बीआरओ की ऑल वेदर नेचिफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? बीआरओज ऑल वेदर नेचिफूज टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर विच स्टेट? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, एसएससी के थ्रू इसमें पोस्ट भी मिलती है। आंसर इस सवाल का है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ की ऑल वेदर नेचिफू टनल, सीमा सड़क संगठन बीआरओ जिसे आप कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के नेचिफू दर्रे के पास 500 मीटर लंबी ऑल वेदर टनल नेचिफू टनल का निर्माण कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन सीमा के निकट अग्रिम अड्डे की ओर जाने वाले सैन्य काफिले के लिए समय कम करना है। तो बेसिकली इंडिया ने भी अब अरुणाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, सो दैट चाइना को हम जवाब दे सकें। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। जेएनके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधा कृष्णा और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। किस अंतर्राष्ट्रीय रैपर ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर ये कर लिया है? ठीक है, ये नाम कर लिया है, तो ये नाम किसने कर लिया है? तो इसका जवाब है आपका केन वेस्ट। केन वेस्ट ने अपना नाम बदलकर ये कर लिया है आपका। अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर ये कर लिया है। लॉस एंजल्स के एक न्यायाधीश के 18 अक्टूबर 2021 को अपना नाम आधिकारिक रूप से ये में बदलने के लिए पश्चिम द्वारा एक याचिका को मंजूरी दी गई। कर्टिस कैंपर T20 इतिहास में लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। वह किस देश की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं? कर्टिस कैंपर तीसरे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 4 गेंदों पर लगातार 4 विकेट लिए हैं। वह किस देश की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं? ऑप्शन हैं नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो जवाब है आपका इसमें आयरलैंड। आयरलैंड में के खिलाड़ी ने ऐसा किया है। आयरलैंड के तेज गेंदबाज कर्टिस कैंपर 18 अक्टूबर 2021 को T20 इतिहास में लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। इससे पहले श्रीलंका के लसित मलिंगा और अफगानिस्तान के राशिद खान ने यह उपलब्धि हासिल की हुई है। ठीक है, तो ये तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, प्रेसिडेंट है माइकल डी हिंगिस और इसकी करेंसी है यूरो। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, पीएम है जेकिंडा आर्डन और न्यूजीलैंडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वहाँ पे मोनार्की चलती है, राजशासन चलता है, तो एलिजाबेथ टू वहाँ की मोनार्क हैं और पाउंड स्टर्लिंग वहाँ की करेंसी है। नेदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टर्डम और पीएम है वहाँ के मार्क रुट और करेंसी है यूरो। अगला सवाल है प्रेमियो प्लैनेटा साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है?
तो हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड प्रेमियो प्लेनेटा लिटरेरी प्राइज? तो ऑप्शन है जॉर्ज डियाज, ऑगस्टिन मार्टिनेस, एंटोनियो मर्सिरो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों लोगों को प्राइज़ मिला है। तो ये बड़ा ही अच्छा सा इंसिडेंट है। हुआ क्या कि जब स्पेन की एक प्रशंसित महिला लेखक को हाल में ही छद्म नाम से लिखने वाले, मतलब ऐसा सोचा कि माना कि एक्चुअली कई बार सूडो नेम कहते हैं, जैसे सूडो नेम मतलब छद्म नाम कि किसी और ने के नाम से किताब लिखें, तो ये तीनों लोग जो थे वो एक अलग नाम से किताब लिख रहे थे, जिनके नॉवल का नाम था द बीस्ट, और ये काफ़ी वहाँ पर पॉपुलर हुआ, जो कि एक क्रिमिनल क्राइम थ्रिलर था, क्राइम ऑथर था। तो स्पेन की एक प्रशंसित महिला लेखक को हाल ही में छद्म नाम से लिखने वाले तीन पुरस्कारों के रूप में प्रकट किया गया था। स्पेन के सबसे लोकप्रिय अपराध लेखकों में से एक कारमेन मोला को 2021 प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार जीतने के लिए 1 मिलियन यूरो से सम्मानित किया गया, जबकि शुक्रवार को भव्य पुरस्कार समारोह में उनके नाम की घोषणा की गई। तो ये तीन लोग पुरस्कार पर मंच पर लेने के लिए पहुंचे। तो बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट हुआ कि मतलब जब इनाम लेने के लिए अनाउंसमेंट हुआ तो ये तीन लोग वहां पे पहुंचे, तो पता लगा कि उस फेक नेम के पीछे जो राइटर थे वो ये तीनों थे। ठीक है, तो इनको ये प्राइज मिला है और नाम है जॉर्ज डियाज, ऑगस्टिन मार्टिनेज और एंटोनियो मर्सिरो। अगला है हु हैज़ ज्वाइंट कॉइन डीसीएक्स फ्यूचर यही है कैंपेन। कॉइन डीसीएक्स का फ्यूचर यही है कैंपेन में कौन शामिल हुआ है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, अजय देवगन या फिर आयुष्मान खुराना। तो जवाब है इसका आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ने कॉइन डीसीएक्स का फ्यूचर यही है कैंपेन ज्वाइन किया है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन अलग क्रिप्टो से जुड़े हैं, रणवीर सिंह अलग से जुड़े हैं और अजय देवगन तो विमल से जुड़े हैं फिलहाल। खैर, तो आयुष्मान खुराना क्वाइस डीसीएक्स के फ्यूचर यही है अभियान के साथ अपने सहयोग के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी स्पेस में उद्यम करने वाली नवीनतम सेलिब्रिटी बन गए हैं। क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। फ्यूचर ये मेगा ड्राइव को युवा भारत के दृष्टिकोण से क्रिप्टो निवेश की बात करते समय प्रमुख प्रश्नों और संदेहों को दूर करने और मिथकों को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया है। क्वाइन डीसीएक्स भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसकी कीमत $1.1 बिलियन है। तो आयुष्मान खुराना क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इसके अलावा हाल ही में क्वाइनसिच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह आपने देखा भी होगा, ऐड भी आता जिसमें वो रैप करता, तो क्वाइनसिच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर बने। इसके अलावा सलमान खान ने इंडिया का पहला क्रिप्टो टोकन लॉन्च किया चिंगारी। तो चिंगारी ऐप है जिसपे टिकटॉक जैसे वीडियोस लोग बनाते हैं, उसी ऐप के ने ही ये क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च किया है, जिसका जो इस तरीके से डॉलर का साइन बना उसके बाद गारी, तो बेसिकली चिंगारी नाम से क्रिप्टो टोकन इन्होंने लॉन्च किया है। तो भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी आप ये मान सकते हैं कि आपकी चिंगारी हो सकती है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्वाइन डीसीएक्स हो गए हैं हमारे हैं अमिताभ बच्चन। तो क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन और ये इसका क्वाइन डीसीएक्स का यूथ में इन्होंने इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है आयुष्मान खुराना को। फ्यूचर यही है कैंपेन से जोड़ा है। अगला सवाल है हु इज़ द ऑथर ऑफ सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन। सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन के लेखक कौन हैं? शाफिक किदवई, अमिताभ घोष, गुलजार या फिर अनुपम खेर। तो जवाब है इसका आपका शाफिक किदवई। शाफिक किदवई ने इस किताब को लिखा है। अमिताभ घोष ने हाल में ही द नटमेक्स कर्स नाम से किताब लिखी थी, जिसका मैंने पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। गुलजार ने भी एक और किताब पब्लिश की है जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। ठीक है, और अनुपम खेर ने NH44 टेक मी होम, ये कश्मीरी पंडितों से संबंधित किताब इन्होंने लिखी है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर शैफी किदवई ने सर सैयद अहमद खान कारण धर्म और राष्ट्र नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक का उद्देश्य मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का विश्लेषण करना है, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित हुआ। सर सैयद अहमद खान की 204वीं जयंती के से पहले किताब का विमोचन किया गया। इसके अलावा महान भारतीय कवि गीतकार निर्देशक गुलजार अपनी नई पुस्तक शीर्षक एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर के साथ सामने आए। प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में गुलजार ने किशोर कुमार, विमल रॉय, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, महाश्वेता देवी जैसे एनेक्डोट्स शेयर किए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हुई थी यहाँ पे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से के विजेता हैं शाफिक किदवई। तो इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो मलयालम में एम लीलावती ने जीता है, इंग्लिश में रस्किन बॉन्ड को मिला है, बंगाली में शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है, हिंदी में विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, मराठी में डॉक्टर बालाचंद्र नामदे, पंजाबी में डॉक्टर तेजवंत गिल, संस्कृत में स्वामी राम भद्राचार्य और तमिल में इंदिरा पार्थासारथी को मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सहदेव यादव,
नवरंग सैनी, अमित रस्तोगी या फिर अमिताभ चौधरी. तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? तो जवाब है इसका अमित रस्तोगी. अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. नवरंग सैनी के हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है. अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का CEO कंटिन्यू करने के लिए बोला गया है. और सहदेव यादव कौन है? सहदेव यादव को इंटर इंडियन रेस्लिंग फेडरेशन, सहदेव यादव IWF के नए अध्यक्ष बने हैं. IWF के पूर्व महासचिव सहदेव यादव को सर्वसम्मति से भारतीय भारत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया. वह चुनाव में SH की नियुक्ति भी देखी गई. आनंदे गौड़ा और नरेश शर्मा IWLF के नए महासचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में, दिल्ली जिला न्यायालय के रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र पाल कौशिक द्वारा कराए गए चुनाव में 10 नए उपाध्यक्ष, 4 संयुक्त सचिव और 7 कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी चुने गए. भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है. तो सहदेव यादव को इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है. इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का, सॉरी मैं रेसलिंग बोल रहा हूँ बार बार, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है. अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कौन सी वेट लिफ्टर ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है. नाम पता होगा कमेंट्स में बताइएगा. इसके अलावा अमित रस्तोगी जो कि सेवानिवृत्त को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया. इससे पहले वह 5 साल के लिए ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर 5 ईयर्स एंड एडिशनल जनरल मैनेजर. तो वो सारी चीज़ें जरूरी नहीं है, बस इनका नाम आप ध्यान रखेंगे. अगला सवाल, इसके अलावा कुछ हमारे और फैक्ट्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे. जैसे आपका इंडिया फर्स्ट लाइफ इंट्रोड्यूसेस सरल बचत बीमा इंश्योरेंस प्लान. तो इंडिया फर्स्ट कंपनी है, इंडिया फर्स्ट लाइफ ने पेश की सरल बचत बीमा नाम से एक इन्होंने प्लान पेश किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त उद्यम इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा पेश की है. पूरे परिवार के लिए एक बचत और सुरक्षा कवर है, ठीक है. इंडिया फर्स्ट लाइफ के MD और CEO हैं M विशाखा. इंडिया फर्स्ट लाइफ का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र. और इंडिया फर्स्ट लाइफ की स्थापना हुई है 16 नवंबर 2009 में. इसके अलावा मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या रहा? व्हाट हैज़ बीन इंडियाज रैंक इन मर्सर ग्लोबल पेंशन स्कीम? 43rd, 101st, 100th या फिर 40th? तो 101st रही थी इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में. और अभी ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडियाज रैंक इन मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में रैंक भारत की 40th रही है, जिसमें 43 देशों ने पार्टिसिपेट किया है. तो टोटल 43 देशों ने पार्टिसिपेट किया. अग्रणी वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टिंग ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का 13वां संस्करण जारी किया. 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में 43 देशों ने में भारत को 40वें स्थान पर रखा है. 2020 में भारत 39 पेंशन प्रणालियों में 34वें स्थान पर था, अभी 40वें पे है. आइसलैंड जिस रैंकिंग में 84.2 सूचकांक के साथ शीर्ष पे है. इसके बाद नीदरलैंड है, उसके बाद नॉर्वे. भारत का समग्र सूचकांक 43.3 था. थाईलैंड का समग्र सूचकांक मूल्य सबसे 40.6 था. और 2021 के MCGPI के 4 नए सेवानिवृत्त प्रणाली जोड़ी है आइलैंड, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे. सो द MCGPI हैज़ एडेड 4 न्यू रिटायरमेंट सिस्टम्स, आइलैंड, ताइवान, UAE और उरुग्वे. तो भारत में तो ऑब्वियसली 40वें पे होना ही था, 40वें के और नीचे भी आ सकता है क्योंकि पेंशन तो ख़त्म ही हो चुकी है भारत में. और पेंशन की बात करना भी अब गलत माना जाता है कि आप पेंशन की उम्मीद भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लिए है. अगर आप विधायक बनते हैं, अगर आप सांसद बनते हैं तो आपको पेंशन मिलनी चाहिए. अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको पेंशन का तो सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है. मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इस बात को किस टोन में कह रहा हूँ. चीन ने पहला और अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया, सौर अन्वेषण उपग्रह. तो चाइना ने पहला अपना फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया. चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सवार होकर उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है. उपग्रह को शीहे नाम दिया गया था. झीहे सूर्य की देवी हैं जिन्होंने प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में कैलेंडर बनाया था, ठीक है. तो इस नाम से उन्होंने दिया है, चाइनीज हा सोलर एक्सप्लोरर चेज नाम से ये इन्होंने भेजा है. इसके अलावा नीति आयोग ने भारत का नीति आयोग हैज लॉन्च जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया.
जियो विच विल प्रोवाइड अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ ऑल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. द मैप हैज़ बीन डेवलप्ड बाई नीति आयोग इन कोलेबोरेशन विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. एंड आप मुझे इसरो के डायरेक्टर का नाम बताएंगे, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, कॉमेंट्स में बताएगा. एनर्जी मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ मुझे एनर्जी मिनिस्टर का नाम भी बताएंगे कॉमेंट्स में. ठीक है, नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015 को, इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन हैं और सीईओ हैं अमिताभ कांत. ठीक है, दो चीज़ें मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, इसरो के डायरेक्टर का नाम कमेंट में बताएंगे, एनर्जी मिनिस्टर का नाम कमेंट में बताएंगे, और नीति आयोग ने जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया है. विच नेशन हैज़ वन द थॉमस कप, थॉमस कप किसने जीता है, चाइना, जापान, इंडिया या फिर डेनमार्क? तो जवाब है इसका चाइना. चाइना जिसकी राजधानी है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी, ने थॉमस कप जीता है. जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिडा, राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन. भारत का आपको मालूम है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, पीएम है मेटे फ्रेडरिक्सन जो अभी हाल में भारत भी आई थी, और वहाँ की करेंसी है डैनिश क्रोन. तो चाइना एंड इंडोनेशिया वन ऊबर कप, चाइना ने जीता है आपका ऊबर कप और इंडोनेशिया ने जीता है थॉमस कप. ध्यान रखेंगे, चाइना ने जीता है ऊबर कप और इंडोनेशिया ने जीता है थॉमस कप. ये दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड हैं. ऊबर एंड थॉमस कप आर द बाई इनियल इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, यानी कि ये दो साल में खेले जाने वाली बैडमिंटन चैंपियनशिप है बाई वुमेन एंड मेन्स नेशनल टीम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो बना था 5 जुलाई 1934 को बना था. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक हॉयर लासन, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स है कुआलालंपुर मलेशिया में. ठीक है, चाइना ने डेनमार्क के आरहूस में रोमांचक ऊबर कप फाइनल में चीन ने जापान को 3-1 से हराकर ऊबर कप का खिताब जीता. 19 फाइनल में चीन ने 15वीं बार ऊबर कप खिताब जीता है, और यह मैच ऊबर कप के इतिहास में सबसे लंबे मैच पर आधारित था, जब चेन किंग चान और जिया ई फैन ने अपना युगल मैच जीता था. डेनमार्क के आरहूस में आयोजित फाइनल मैच में गत चैंपियन चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने 2002 के बाद पहली बार थॉमस ट्रॉफी जीती थी. ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप बात करेंगे, ऊबर कप जीता है चाइना ने और थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया ने. ठीक है, और 2002 के बाद पहली बार जो है तो इंडोनेशिया ने ट्रॉफी जीती है. इसके अलावा राजस्थान ने प्रशासन गांव के संग कैंपेन लॉन्च किया है. राजस्थान गवर्नमेंट ने एक मेगा कैंपेन लॉन्च किया है जो कि राज्य दूर दराज के गाँव में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान शुरू कर रहा है. स्थानीय प्रशासन के बाइक विभागों के अधिकारी आवेदकों को ऑन स्पॉट समाधान देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्रामीण हिस्सों में पहुंचेंगे. राज्य के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र. राजधानी का नाम आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे. फ्रांस के चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसने जीती? आज थोड़ा वीडियो लंबा है क्योंकि एक दिन का करंट अफेयर्स पेंडिंग था. तो हु हैज़ वन चार्लेविल नेशनल कंपटीशन इन फ्रांस? ऑप्शन है सुनील छेत्री, दिव्या देशमुख, भवानी देवी या फिर साइना नेहवाल. तो जवाब है आपका भवानी देवी ने. ये फेंसिंग का कॉम्पिटिशन होता है, चार्लेविल नेशनल कॉम्पिटिशन जिसका फ्रांस में हुआ है. भवानी देवी ने ये कॉम्पिटिशन जीता है. सुनील छेत्री का नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और हाल में ही आपके सैफ चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती है. दिव्या देशमुख इंडियाज वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर बन गई हैं ये, और साइना नेहवाल का कोई कनेक्शन नहीं था. तो इंडिया की भवानी देवी ने चार्लेविल नेशनल कंपटीशन जीता है फ्रांस में. वो एक फेंसर हैं भवानी देवी, हु मेड हिस्ट्री एट टोक्यो ओलंपिक्स बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन टू कम्पीट इन द स्पोर्ट्स एट दिस गेम, यानी कि पहली भारतीय बनी जिन्होंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और एक मैच जीता. ठीक है, इन फ्रांस इन द इंडिविजुअल वुमेन्स सैब्रे इवेंट शी इज करंटली रैंक्ड 50th इन द वर्ल्ड, 50वीं रैंक है इस समय दुनिया में, इज द टॉप रैंक्ड फेंसर फ्रॉम इंडिया, भारत में एक पहली है. शी इज आईंग अ गुड शो एट 2022 एशियन गेम्स एंड हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा. अगला है, इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप ध्यान रखना है. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल फॉर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज. मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने. इसके अलावा जेम्स पैटिनसन जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है. 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो गोवा में होगा 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक. श्रीलंका के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन बंदुला वर्णापुरा की मृत्यु हो गई है. इसके अलावा एमपी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने वाली है मुख्यमंत्री राशन
राशन आपके द्वार योजना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना इंप्लीमेंट करने वाली है। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट एट कांडला गुजरात, ऑल्सो इनॉग्रेट्स आयुष वैन। तो आयुष वैन इन्होंने लॉन्च करी है, साथ ही साथ दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला में इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं हमारे और आयुष मिनिस्टर हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है। बीएस येदुरप्पा को सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड से दिया नवाजा गया है। अब बीएस येदुरप्पा किस राज्य से हैं आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। मूडीज अपग्रेड आउटलुक फॉर इंडिया इंडियन बैंकिंग सिस्टम टू स्टेबल फ्रॉम नेगेटिव। तो मूडीज ने जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम का जो आउटलुक है वो नेगेटिव से स्टेबल पे किया है और जीडीपी फोरकास्ट 9.3% मूडीज ने दिया है। आईओसी ईबी सेलिब्रेट्स 100th आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 100वीं एनिवर्सरी मनाई है एंशिएंट ओलंपिया की। आईओसी के प्रेसिडेंट हैं द थॉमस बैच और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बने हैं ए बाला सुब्रमण्यन। दुबई ने साइन किया है इंडिया के साथ में जेएनके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डील। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिड्यूस किया है इंडिया का पोटेंशियल ग्रोथ फोरकास्ट बाई 25 बेसिस पॉइंट टू 6%। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रिटोसा फैमिली समिट्स में इन दुबई। फॉर्मर हॉकी इंटरनेशनल प्लेयर सरनजीत सिंह की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई हाल में। और L&T एडुटेक ने अपॉइंट किया है सभ्य चाची दास को एज अ CEO। इम्तियाज अली को रशियन फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया में होने वाला है उसके एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑलराइट, सो ये कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपको वर्ल्ड लाइनर्स के रूप में बता दिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल कवर कर दी हैं एंड कल का वीडियो नहीं आया था, आज आपको आ गया है और आपसे आगे से रेगुलर रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।